ट्रेंड्स ये वो शब्द है जिससे आजकल पूरा दुनिया इस वर्ड से वाकिफ है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड्स से। अब वो EMU हो, जनरल क्लास हो, H1 हो, या देश की आन बान और शान वंदे भारत एक्सप्रेस हो, सब आजकल ट्रेनों में सफ़र करते हैं। लेकिन आप नोटिस करो कि ट्रेन जो कि LHB-fied होने लगी है, आजकल इंडिया में 90% ऑफ द ट्रेन LHB racks में चलती हैं, यानी कि लाल डब्बे जो आप देखते हैं उनको LHB racks बोलते हैं, वो LHB-fied हो चुकी हैं। बहुत कम, यानी कि 10% ऑफ द ट्रेन ही सिर्फ ICF कोचेज में रह गई हैं। तो आज हम उसी 10% में एक ट्रेन 12905 पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस के H1 में, जी हाँ दोस्तों, H1 में आज हमारी जर्नी होने वाली है। मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है आपको, इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आदि, आप देख रहे हैं रेलवे इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द व्लॉग एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जहां मैं रहता हूं, जो मेरे पापा का जो पोस्टिंग का जगह है डोंगरगढ़, वहां पे इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। तो मैं आ चुका हूं राजनंदगांव स्टेशन। हमारी जर्नी है यहीं से चालू होने वाली है और पूरी जर्नी आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरा H1 का एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई जर्नी होने वाली है। दोस्तों ICF कोच जिसकी शुरुआत 1950s में हो गई थी और पहली बार इस ट्रेन को इनॉग्रेट फ्लैग ऑफ किया गया था PM जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन द ईयर 1955, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ICF कोचेस जो बनते हैं वो होते हैं पेराम्बूर चेन्नई में। और एक बात आपको और बता दूँ कि जो वंदे भारत के जो कोचेस हैं वो भी यहीं पे पेराम्बूर चेन्नई में ही बनते हैं, सारी वंदे भारत के कोचेस। और स्विट्जरलैंड वो कंट्री है जिन्होंने हमको ICF कोचेस का आइडिया दिया था और हमें मदद की थी इतने बड़े प्रोजेक्ट ICF कोच को बनाने में, क्योंकि पहली बार इंडिया में ICF कोच लॉन्च हुई थी। और अभी राजनांदगांव स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है RJN। मैं डोंगरगढ़ स्टेशन से इसलिए बोल नहीं कर पा रहा क्योंकि डोंगरगढ़ स्टेशन में इसका हॉल्ट नहीं है, राजनांदगांव स्टेशन में है। तो मैं डोंगरगढ़ से राजनांदगांव तक आया हूँ और इस ट्रेन को बोर्ड करूँगा। दोस्तों टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 2:50 और इसका जो ओरिजिनल अराइवल टाइम था यहाँ आने का वो था 12:51। तो चलिए बोर्ड करते हैं। ये रहा हमारा कोच H1 और अब कैबिन F। ये है हमारा कैबिन F। चलिए एंटर करते हैं कैबिन में। सामान मैं पहले ही रख चुका था। एंटर करते ही हमारे सामने आता है एक फुल फ्लेज्ड मिरर। जी हाँ दोस्तों, ये है मिरर। सारा कुछ बेडिंग मटेरियल यहाँ है, आप देख सकते हैं पूरा जो बेडिंग मटेरियल वो यहाँ है। यहाँ जो अपर बेड है, अपर बर्थ, उसके लिए यहाँ स्टेयर्स हैं और यहाँ नीचे आर्म रेस्ट। ये आपका मेन सीट, जब आप बैठते हैं तो इसको ऊपर कर लीजिएगा और जब सोएंगे तो नीचे कर लीजिएगा। यहाँ एक फर्स्ट एसी में डस्टबिन दिया जाता है। यहाँ पे उसी साइड में एक टेबल, यहाँ पे है बॉटल होल्डर, यहाँ स्विच, और सबसे अच्छी बात जो इस फर्स्ट एसी की लगती है वो तो एक लेग स्पेस है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। और ये है यहाँ का अलार्म बेल, आप जैसे ही इसको बजाएंगे तुरंत एसी अटेंडेंट आ जाएगा। ये चीज़ सेकेंड एसी में और थर्ड एसी में आपको देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ एक सेम अलार्म क्लॉक यहाँ पे भी है, सेम चीज़। ऊपर एक लाइट, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैन के लिए भी दिया गया है। वैसे तो एसी चल ही रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे अपर बर्थ है और यहाँ पूरा बेडिंग मटेरियल चारों पैसेंजर्स के लिए। अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ आज। और यहाँ पे सेम स्टेयर्स, यहाँ मेरा लगेज, नाइस। इस ट्रेन की जल्दी से आपको टाइमिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ये ट्रेन लेती है पोरबंदर से शालीमार पहुँचने में 42 घंटे 30 मिनट
29 हॉल्ट्स को ये कवर करती है। एवरेज ऑपरेटिंग की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टॉप ऑपरेटिंग स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन वीकली ट्रेन है, ये पोरबंदर गुजरात से वेडनेसडे और थर्सडे को ही चलती है और आप पहुंचेंगे परसों यानी कि फ्राइडे और सैटरडे शालीमार। ICF कोच के फर्स्ट एसी का जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा ना यार, वो फर्स्ट क्लास है। मैं आपको कोच ओवरव्यू तो दे चुका हूँ, एक चीज़ और मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर आपको फैंस दिख रहे हैं, ये आपको नई LHB रैक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। फिलहाल हमको राजनांदगांव से छूटे हुए 10 से 15 मिनट ही हुए, हमारा जो अगला हॉल्ट है दुर्ग, अब सीधा वहीं मिलते हैं और मैं तब तक लंच भी कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। फिलहाल मैं बैठा हूं 12905 पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस के H1 केबिन में जो कि है ICF। जी हाँ दोस्तों, 10% ऑफ द ट्रेन ही इंडिया में फिलहाल ICF कोचेस बची है, बाकी 90% ऑफ द ट्रेन छत्तीसगढ़, दुरंतो, शताब्दी सब LHB फाइड हो चुकी हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि यार हमारी जो ये ICF है ये बहुत जल्द एक हिस्ट्री बनने वाली है, यानी कि आने वाले कुछ सालों के अंदर यानी कि 4 to 5 years के अंदर पूरी 100% ऑफ द ट्रेन हमारे इंडिया में LHB रैक्स हो जाने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा एक मेमोरी के रूप में एक बहुत अच्छी सी H1 की एक जर्नी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप लोगों को भी मजा आए, इन्फॉर्मेटिव भी बने जना जर्नी और ये जर्नी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी रहे। ये है हमारा मम्मी के हाथ का आज का लंच इस 12905 ट्रेन में। चलिए टेस्ट करते हैं भिंडी की एक सूखी सब्जी और ये पुलाव। है यार कोई पेंट्री वेंट्री में किसी रेस्टोरेंट में ये स्वाद नहीं मिलेगा। ये है छोले की सूखी सब्जी हैं। और यार यहाँ का तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है, पीछे एक ट्रेन खड़ी है, उसके पीछे एक ट्रेन खड़ी है और हमारे आगे भी एक ट्रेन खड़ी है, तो ट्रैफिक जाम नहीं लगता है वैसे, ट्रेन्स का ट्रैफिक जाम फिलहाल लगा है। तो चलिए इसको क्लियर होने देते हैं, डायरेक्ट दुर्ग में मिलते हैं। जस्ट अभी आपने एक देखा एक एक्सप्रेस हमारे जस्ट साइड से लेफ्ट साइड से गई थी हमारे कोच के। चलिए अब वॉकिंग करते हैं थोड़ा सा क्योंकि लंच हो चुका है अपने। लंच हो चुका है अपना, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी गैलरी है। अब लंच करिए, डिनर करिए, उसके बाद अपना वॉक करिए, अपने फूड को डाइजेस्ट करिए, उसके बाद एक अच्छी सी स्लीप ले लीजिए। चलिए थोड़ा वॉक करते हैं। दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ट्रेन और भी ICF कोच में अलग ही बात होती है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशरूम वैकेंट है या नहीं, ये आप अपने कोच में बैठे बैठे देख सकते हैं। वेस्टर्न स्टाइल्स और इंडियन स्टाइल दोनों कोच आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी चारों वैकेंट है, यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन है मतलब वैकेंट है, रेड लाइट जैसी ऑन हो जाती है दोनों साइड की मतलब ये कोई ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोस्टर टाइप का है, इस नंबर पे आप जैसे ही कॉल करते हैं ना तो डायरेक्ट आपके AC अटेंडेंट या जो भी रेलवे मैनेजमेंट स्टाफ है वो आ जाएंगे आपके बेडिंग मटेरियल के लिए। आपके कोच की अगर गंदगी है, कोई किसी प्रकार की कोई स्मेल आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे तुरंत फोन करिए। और एक चीज और है यहाँ पे, ये कॉलिंग बेल, और अगर आपके कॉलिंग बेल से कोई नहीं आता बाई द वे, वैसे तो ये बहुत रेयर होता है, तो आप इस नंबर पे फोन करिए, तुरंत आपकी सर्विस में प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों पहुंच चुके हैं दुर्ग स्टेशन, दुर्ग का स्टेशन कोड है कैपिटल DURG। यहाँ पे हमारी 12905 का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। दुर्ग क्योंकि एक जंक्शन है इसलिए यहाँ पे 3 अलग अलग रूट्स निकलती है। दुर्ग के बारे में और स्पेशलिटी बताऊं,
तो ग्रुप में बीएसपी है जो इसको बहुत एक हाई अपग्रेडेड स्टेशन भी अब जगह बना देती है। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, जहां से पूरे इंडिया में आयरन और स्टील का सप्लाई होता है, इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड होता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी यहीं से होती है। टाइम हो रहा है 5:30 और एक्चुअल अराइवल टाइम तो हमारे यहाँ आने का 1:30 बता रहे हैं। मैं कुछ पूछा इन लोगों से तो बोले कि सामने कुछ यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे कुछ घंटे पहले बारिश हुई थी तो कोई पेड़ वेड़ गिर गया था, इसके कारण यहाँ पे इतना डीले और हो गया था। रसमड़ा और ग्रुप के बीच में 2 घंटे के आसपास रोक के रख दिए थे। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं रायपुर स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है कैपिटल R और यहाँ हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है और छत्तीसगढ़ का एक स्पेशलिटी बताता हूँ, सुआ डांस, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है और यहाँ आने से पहले खारून रिवर भी पड़ा था। तो यार यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह भी है, यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है, सिग्नल किसी भी वक्त होने वाला होगा। और एक चीज आपको और बता देना चाहूंगा, मरीन ड्राइव और मैग्नेटो मॉल, अंबुजा मॉल, सिटी सेंटर मॉल, ये सब आपको रायपुर में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस रूट से क्रॉस होता रायपुर एक बार जरूर घूमिएगा। ये जो गलती ये अंकल किए ये आप मत करिएगा, चलती ट्रेन में चढ़ गए। तो 1830 किलोमीटर अब तक ये ट्रेन कवर कर चुकी है और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं बिलासपुर जंक्शन पब्लिक डिवीजन, क्योंकि डिवीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से कटनी के लिए भी ट्रेन लाइक जाती है। और बात करें यहां की स्पेशलिटी की तो यहां से बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन्स भी ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और बिलासपुर एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और भी कई सारी ट्रेन यहां से ओरिजिनेट होती है। यहां पे अरपा रिवर भी यहीं से फ्लो होती है और यहां पे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी यहीं आती है। और यहाँ की बात करें तो यार बिलासपुर ये पे ये आता है SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, यहाँ हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। और अब ये है 150 की थाली जो मैं यहाँ पे पेंट्री कार से मंगाया हूँ, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बिलासपुर जंक्शन हमने करीबन 40 मिनट पहले क्रॉस कर चुका था, आपने देखा था, और डिनर भी हमारा हो चुका है। अब आने वाला है चापा स्टेशन, चलिए डायरेक्ट चापा में ही मिलते हैं। दोस्तों चंपा जंक्शन पहुंच चुके हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:10, शेड्यूल अराइवल टाइम था हमारा यहाँ पहुंचने का 5:05, लेकिन हम अपने टाइम से 5 घंटे लेट चल रहे हैं। चंपा जंक्शन के बारे में बोलूं तो यहाँ से कोरबा के लिए एक मेन लाइन जाती है, इसलिए इसको जंक्शन भी बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ट्रेन जाती है, कोरबा कुचवेली, कोरबा यशवंतपुर और कोरबा त्रिवेंद्रम, और यहाँ से हसदेव नदी भी यहाँ चंपा जंक्शन से ही जाती है, यानी कि चंपा इस सिटी से।
दोस्तों टाटा पहुंच चुके हैं, टाटा नगर जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ का स्टेशन कोड है कैपिटल TAT और एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ का स्टेशन कोड है कैपिटल TAT है, जैसे बता चुका हूँ। शेड्यूल अराइवल टाइम था यहाँ पहुंचने का कल रात 11 बजे, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं आज सुबह के 8:10 पे। जमशेद जी टाटा, जिनके नाम पे स्टेशन का नाम रखा गया था। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ओपन हुआ था ईयर 1919 और में ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है टाटा नगर, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत सारी है, एंशियंट टेम्पल्स बहुत सारी है, रॉयल प्लेसेस भी बहुत सारी है। यह 2019-20 को यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी यहाँ पे मिला था। और यहाँ पे भाई पैसे वाले लोग रहते हैं। SER रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत, और हमारी ट्रेन लगभग 9 घंटे डिले है। यारो फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:35। हम लगभग आधा एक घंटा पहले टाटा नगर जंक्शन को क्रॉस कर चुके थे। और अब यार पेंट्री कार में जो खाना मिला है मेरे को, यही आलू चाप बोलते हैं यहाँ पे इसको, छत्तीसगढ़ में तो इसको आलू गुंडा बोलते हैं। यहाँ पे मिर्ची है और 3 पीस है। ये मेरे को एक प्लेट 20 रुपीज़ की पड़ती। इसके बाद चाय को बोले हैं, चाय वाला भी आएगा, तो चलिए टेस्ट करते हैं यार। ट्रेन के 29th हॉल्ट यानी कि खड़गपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जंक्शन है, यहाँ से 3 या 3 से ज़्यादा रूट्स क्रॉस होती हैं। यहाँ का स्टेशन कोड है कैपिटल KGP। यहाँ की स्पेशलिटी बात करें तो मेन जो स्पेशलिटी वो तो यार यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT स्टडी हब। यार IIT है यहाँ पे, मेरा भी आने का सपना है यहाँ पे खड़गपुर IIT में। तो यार जर्नी एक्सपीरियंस की अभी तक मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी। सिर्फ मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो लगी यार इस ट्रेन की, बहुत ज़्यादा डिले चल रही है, 9 घंटे डिले चल रही है ट्रेन। आप इमेजिन करेंगे हमारा जो शेड्यूल अराइवल टाइम था स्टेशन में आने का, वो था रात के 1:15 पे, और हम अभी पहुंचे हैं 10:25 पे। लगभग 9 घंटे डिले चल रही है। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है यार, 29th हॉल्ट है। इसके बाद एक स्टेशन और है, फिर पहुँच गए शालीमार। 2545 किलोमीटर की जर्नी पोरबंदर से ये ट्रेन कवर कर चुकी है। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं शालीमार स्टेशन। दोस्तों जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था जर्नी में। सिर्फ इस डीले से, 10 घंटे की डीले से चल रही थी ये ट्रेन, इस बात से आपको इस ट्रेन की पंचुअलिटी का पता चल गया होगा। फूड एक्सपीरियंस बताओ तो यार मम्मी का खाना था, सो ब्रेकफास्ट सिर्फ लिए थे हम पेंट्री कार से, वो भी बहुत अच्छा था। और क्लीनिनेस और हाइजेनिकता की बात करूँ तो यार बहुत अच्छी थी। सिर्फ ना टॉयलेट से वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में गया था, इंडियन स्टाइल में भी गया था, लेकिन इंडियन स्टाइल आपको दिखाया नहीं। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में सिर्फ थोड़ा सा स्मेल का इशू था, बाकी सब एकदम परफेक्ट था। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। मैं हूँ आदि, आप देख रहे हैं रेलवे इंडिया। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।